दोस्तों ब्लू एब्सोल्यूट ये तो नई चीज है और इसका सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूं मैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मुझे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रिप्स कैफे नोआर के बारे में, इंसेंस गोल्ड के बारे में और ये सियाज ओरोस करके आता है फ्रेग्रेंस, इसके बारे में काफी कम लोगों ने इसके बारे में बात की है। वंडर ऑफ यू काफी चर्चा में है, आपने ऑलरेडी इसके रिव्यूज देखे होंगे, लेकिन हम अपना ओपिनियन देंगे इसके बारे में। और ये है मैस्कुलिन लेदर। तो इन सारे पांचों फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात करेंगे। टॉप 5 फ्रेग्रेंसेस ये नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं, लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो हम अपने ओपिनियन रखेंगे। मैंने इसे 1x1 यूज किया है, मेरे क्या रिजल्ट्स रहे वो मैं आपको शेयर करूंगा, वीडियो जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कंचन पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्रेग्रेंस टॉक। इस चैनल पे हम फ्रेग्रेंस रिलेटेड बातें करते हैं, डिओड्रेंट, अतर और जो भी अच्छे फ्रेग्रेंस है बजट वाले उनके बारे में। तो अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो यूट्यूब इसे और भी लोगों तक भेजेगा और फ्रेग्रेंस टॉक फैमिली भी बड़ी होती जाएगी। बात करते हैं सबसे पहले कैफे नोआर के बारे में। और कैफे नोआर काफी ज्यादा चर्चा में था 2 साल पहले। यासिर भाई जो फिट फ्रेग वाले हैं, उन्होंने बहुत अच्छे इसके रिव्यू दिए थे और बहुत लॉन्ग लास्टिंग इसे बताया था, और उसी के चलते हुए काफी सारे लोग इसे परचेस करने लगे। लेकिन धीरे धीरे इसका रिफॉर्मुलेशन हुआ, ये 2022 का मेरा बैच है, तो इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम हुआ है, मैं बताऊंगा आपको कितना कम हुआ है। लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, ये कुछ टेक्सचर इसमें दिया हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखता है। बॉटल ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छी भी हम नहीं कहेंगे। और ये जो कैप है बिल्कुल ढीला सा कैप आता है, प्लास्टिक की कैप आपको इसमें देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का। मेड इन यूएई प्रोडक्ट है, ईडीपी वर्जन है और 100ml की बोतल आपको मिलती है, कुछ इस तरीके से ये दिखता है। तो बहुत ज्यादा यूनिक तो हम नहीं कह सकते इसे। और यहाँ इसे हम रखते हैं और स्प्रे करते हैं डायरेक्टली और बात करते हैं इसके फ्रेग्रेंस के बारे में, ज्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए। स्प्रेयर ठीक ठाक है और नॉर्मल सा आपको दिखता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जैसे ही ओपनिंग होती है बहुत स्मूथ इसकी ओपनिंग होती है और फ्रूटी नोट्स आपको इसमें मिलने लगते हैं। ये रिफ्रेशिंग सा फ्रेग्रेंस है, फ्रेश फ्रूटी वुडी मस्की टाइप का ये फ्रेग्रेंस है। बहुत अच्छे से फ्रूटी वाइब्स इसमें मिलते हैं, बोगमो की खुशबू बहुत अच्छी है, ग्रीन एप्पल की बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें आपको मिल जाती है, थोड़ा सा सिट्रसीनेस भी इसके अंदर मिलता है। तो बहुत खूबसूरत ओपनिंग है, बिल्कुल भी सिंथेटिक या एल्कोहलिक नहीं लगता है। थोड़ा सा जब ये टोन डाउन होता है, मिडिल की ओर जाने लगता है, तो लेवेंडर का हल्का सा इसमें पाउडरी अरोमा मिलता है और उसके साथ में पचुली के नोट्स इसके अंदर मिलते हैं। थोड़ा सा आपको टोंका बीन एम्बर टाइप की खुशबू मिलेगी, थोड़ा सा डेप्थ इसके अंदर मिलता है। मुझे हल्का सा ये चॉकलेटी भी लगता है, बहुत माइल्ड सी इसमें चॉकलेटी वाइब्स भी आती है और बेस में वेनिला और मस्क वुडी कॉम्बिनेशन मिलता है। इसमें रोज वुड का कॉम्बिनेशन यूज हुआ है वो मिलता है, और पूरे फ्रेग्रेंसेस के मिडिल में कुछ स्पाइसी हिंट्स भी दिए हैं आपको, कार्डेमम इलायची की हल्की हल्की इंच इसमें मिलने लगती है। अगर आप महसूस करते हैं सिनेमन का नोट इसमें मिलने लगता है और थोड़ी सी पेपरी वाइब भी मिलने लगती है। तो स्पाइसेस भी है, बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड है, तो फ्रूटी है, वुडी है, स्पाइसी भी है थोड़ा सा, बहुत अच्छा है। कैफे नोआर जैसे इसमें लिखा है तो ये कॉफ़ी की स्मेल इसमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा सा डेप्थ ऑफ फील्ड इसके अंदर मिल जाता है। जैसे अगर आपने स्मेल किया हो लेमोन स्मेल अगर आपने किया हो, कुछ उस तरीके की वाइब देता है, उसका क्लोन नहीं है लेकिन उस तरीके का ये डेप्थ ऑफ फील देता है और बहुत अच्छा सा स्मेल करता है। क्राउड प्लेजर है, लोगों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आता है। और बात करें इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो शुरुआत में जब आप इसे लगाते हैं तो 1 घंटे तक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करता है, और जब ये दो ढाई साल पहले लॉन्च हुआ था तो आराम से 3 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन होता था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट बैच आ रहे हैं उसमें इसका परफॉर्मेंस कम हुआ है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो शुरुआत के 1 घंटे आपको प्रोजेक्शन इसका मिलेगा, 2-3 फीट का इसका प्रोजेक्शन रहेगा, उसके बाद आपके अराउंड बना होता है 3 से 4 घंटे, उसके बाद बहुत क्लोज टू स्किन हो जाता है। तो 3 से 4 घंटे में अगर आप कोई फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आप पूरे साल इसे वियर कर सकते हैं, हर ओकेशन में वियर कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। क्लोन बताया जाता है पाको रबान का, जो ब्लैक एक्सेस आता है उसका क्लोन बताया जाता है, और डेफिनेटली उसके जैसा स्मेल भी करता है, बहुत अच्छी चीज़ है और हर किसी को पसंद भी आएगा, तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात की जाएगी इंसेंस गोल्ड के बारे में, ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में है और वैल्यू फॉर मनी आइटम है। बॉक्स कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, यहाँ पे आपको टेक्सचर देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं रिप्स टॉप पे लिखा हुआ है और इस बॉक्स पे कुछ टेक्सचर आपको देखने को मिलता है। ईडीपी वर्जन है, 100ml का ये भी बॉटल आता है और बहुत अच्छा पैकेजिंग इसका दिया हुआ है, प्रीमियम फील देता है आपको इस बजट में। इसका जो प्राइस रेंज है वो 1099 है, यानी कि 1100 रुपये के लगभग ही आपको आराम से मिल जाता है, और ये जो है 1150 रुपये का मिलता है। बॉटल बहुत अच्छी है, गिफ्ट देने के भी लायक है, और अगर आप अपने कलेक्शन में रखना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। इसका केप भी काफ़ी हैवी है, लेकिन प्लास्टिक की केप आपको मिलता है। और स्प्रेयर में आपको स्प्रे करके दिखाता हूँ और बात करते हैं इसके बारे में।
स्प्रे से बहुत अच्छे अमाउंट में मिस्ट निकलता है। एक स्प्रे काफी है, दो स्प्रे में पूरा रूम फील हो जाता है। जैसे ही आप इसे स्मेल करेंगे बहुत खूबसूरत सा आपको वेनिला की खुशबू आएगी, बहुत स्मूथ सी खुशबू है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, थोड़ा सा स्वीट फ्रेग्रेंस है, थोड़ा सा कहें ये थोड़ा ज़्यादा स्वीट फ्रेग्रेंस भी है। तो वेनिला प्रोमिनेंट है, शुरुआत से एंड तक आपको इसके अंदर मिलता है और उसके साथ में थोड़ा सा हल्का सा इसमें स्मोकी वाइब है, इंसेंसी वाइब है जो इस फ्रेग्रेंस को यूनिक बनाता है। इनऑफेंसिव है लेकिन बहुत अच्छा सा कैरेक्टर देता है इस फ्रेग्रेंस को। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा मुझे गुरमांडिश भी लगता है, यानी कि खाने वाले नोट्स इसमें लगते हैं। वेनिला का नोट तो इसमें है ही है, लेकिन टोंका बीन का भी इसमें नोट लगता है, हल्का सा मुझे सपोर्ट लगता है चॉकलेटी वाइब का, वो भी इसके अंदर मिलती है। और जब पचूली का नोट इसके अंदर बहुत अच्छा है, जब ये थोड़ा थोड़ा बेस में जाने लगता है। एगरवुड का भी हल्का सा ऊद हिंट्स आपको इसके अंदर मिलता है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वुडीनेस है इसके अंदर, थोड़ा सा मस्क का भी इसके अंदर यूज हुआ है, पचूली के हिंट्स भी बेस में आराम से मालूम पड़ते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा फील है, थोड़ा सा एम्बरी भी लगता है बेस में जाने लगता है। तो ये थोड़ा सा वार्म स्वीट ओरिएंटल टाइप का फ्रेग्रेंस है, थोड़ा सा वुडी टाइप का फ्रेग्रेंस है। तो अगर आप ठंडे टाइम में इसे वियर करेंगे, इवनिंग टाइम में वियर करेंगे, मॉनसून आ रहा है उसमें भी आप इसे अच्छे से वियर कर सकते हैं, और अगर आप एसी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो भी आप इसे बहुत अच्छे से वियर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आपको स्वीट फ्रेग्रेंस पसंद है तभी आपको इसको लीजिएगा, वेनिला टाइप के फ्रेग्रेंस पसंद है तभी आप इसको लीजिएगा, क्योंकि हर किसी के लिए ये नहीं बना हुआ है, ये बात आपको हमेशा माइंड में रखनी होगी। बात की जाए इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इसका, 2 से 3 घंटे काफ़ी लाउड प्रोजेक्ट करता है, 2-3 फीट तक का इसका प्रोजेक्शन है और उसके बाद आपके साथ बना हुआ रहेगा। लॉन्जिविटी इसकी 8-10 घंटे आराम से आपको मिल जाएगी और 7-8 घंटे आराम से हर किसी को महसूस होगा जिससे आप मिलेंगे। तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और प्राइस पॉइंट के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी आइटम है, आप इसे ज़रूर परचेस कर सकते हैं, हर एज ग्रुप के लिए बढ़िया रहेगा। बस आपको सूट करना होगा कि कब आप इसे लगाएं और कब आप इसे ना लगाएं, क्योंकि अगर आप हीट में इसे लगाएंगे, गर्मी में इसे लगाएंगे तो हो सकता है आपका सिर पकड़ ले। इसकी जो मिठास है और इंटेंस खुशबू है वो गर्मियों में काम नहीं करती है, आपको थोड़ा सा कूल एनवायरनमेंट चाहिए। तो ये फ्रेग्रेंस ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों बात करते हैं सिलाज या फिर सियाज ओरोस के बारे में। ये जो पैकेजिंग है ये लताफा की याद दिलाता है, लताफा में ऊद मूड करके जो फ्रेग्रेंस आता है उसकी याद दिलाता है, और काफी सारी बॉटल्स सेम आजकल आ रही है मार्केट में, तो ये भी कुछ उस तरीके से ही दिखता है। बढ़िया प्रेजेंटेशन है, अगर अभी तक आपने यूज नहीं किया है तो बढ़िया रहेगा। यहाँ आपको गोल्ड की चेन दिखेगी, लेकिन ये किसी चीज की बनी हुई है, किसी मेटल की बनी हुई है, मेटेलिक नहीं है, नॉन मेटेलिक है, और बढ़िया पैकेजिंग है, स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग है। शिपिंग में इस चीज को शिप करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और बढ़िया प्रोटेक्शन मिल जाता है। स्प्रे भी बहुत अच्छा है, जैसे ही आप स्प्रे करेंगे आपको एक परफ्यूम की याद आएगी, और वो जो परफ्यूम है वो है पाको रबान का इनविक्टस, और बहुत सारे क्लोन आपको मार्केट में उसके मिल जाए। थोड़ा सा रसासी हवस की तरफ भी ये ले जाता है। बेस में जाते जाते थोड़ा सा वुडीनेस इसके अंदर लगता है और थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जाता है, लेकिन लगभग सेम है। अगर आपके पास पाको रबान इनविक्टस के क्लोन है, पाको रबान इनविक्टस है, तो इसे लेने की जरूरत आपको नहीं है। फ्रेश सा फ्रेग्रेंस है, फ्रूटी सा फ्रेग्रेंस है, मस्की फ्रेग्रेंस है, वुडी फ्रेग्रेंस है, उस तरह का ये फ्रेग्रेंस है। आपको थोड़ा सा ग्रीन लीफी टाइप की वाइब इसके अंदर में मिलती है, जैसे लताफा नाजदिया में मिलती है। तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस लताफा नाजदिया जैसा ही है, आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, 7-8 घंटे आराम से आपके साथ चलता है, हर किसी को महसूस होता है। शुरुआत के 2 घंटे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करता है, हर एज ग्रुप के लिए काफी बढ़िया रहेगा। समर के हिसाब से अगर आपको आउटडोर जाना है तो भी काफी बढ़िया रहेगा, और ठंडे टाइम में इसे मैं प्रीफर नहीं करूंगा, तो जरूर आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी 1099 रुपीज का है। दोस्तों बात करते हैं वंडर ऑफ यू के बारे में, बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस है और ये भी काफी ज्यादा चर्चा में है, काफी हाइप इसे मिला हुआ है और बढ़िया पैकेजिंग आता है। पैकेजिंग के मामले में ज़रा भी सोचने की ज़रूरत इसकी नहीं है, और जब आप इसकी बॉटल निकालते हैं तो बहुत बढ़िया आपको इसकी स्ट्रॉन्ग बॉटल मिलती है, काफ़ी अच्छा थिक ग्लास मिलता है, जैसा कि आप अंदर भी देख सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, एकदम प्रीमियम प्रेजेंटेशन आपको मिलता है, और ये भी जो प्राइस है इसका 1099 रुपीज़ है करंटली। फ्रेक्सटॉक स्टोर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसा कि मैंने बताया दिया है। बहुत अच्छा सा केप आपको मिल जाता है, ये थोड़ा सा प्लास्टिक ही है और थोड़ा सा हेवी भी लगता है, शायद ग्लास भी इसके अंदर डाला हुआ है। स्प्रे करते हैं और फिर देखते हैं। इम्पोरियो अरमानी स्ट्रॉन्गर विथ यू का फ्रेग्रेंस का क्लोन है ये, और काफी हद तक सिमिलर आपको लगता है, 90% सेम आपको इसमें वाइब्स मिल जाती है उसकी, तो ये बहुत अच्छी बात है। वो जो फ्रेग्रेंस है 7-8 हज़ार रुपये का आराम से आपको मिलता है, वहीं ये 1099 रुपीज़ में उसको टक्कर देता है। शुरुआत में बहुत अच्छी सी फ्रेश वाइब आपको मिलती है, और फिर वेनिला का नोट इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसके अंदर नटी टाइप का वाइब दिया हुआ है,
चेस्टनट का इसमें वाइब दिया हुआ है जो इस फ्रेग्रेंस को यूनिक बनाता है। यासिर भाई ने एक वीडियो बनाया था उसमें उन्होंने कहा था, जो फिट फ्रेग वाले यासिर भाई है वो भी फ्रेग्रेंस के रिव्यू करते हैं, आप उनका चैनल भी विजिट कर सकते हैं, तो उन्होंने इसके बारे में बताया था कि ये जो फ्रेग्रेंस है इन्विक्टस जो है, इन्विक्टस पाको रवान का जो आता है उसके अंदर आप थोड़ा सा नटी वाइब डाल दीजिए और थोड़ा सा वेनिला ज़्यादा कर दीजिए, कुछ उस तरीके का वाइब ये देता है। और मैं पूरा अंडरस्टैंड करता हूँ, पूरा एग्री करता हूँ उस ओपिनियन पे, कुछ उस तरीके का ही ये लगता है। बहुत बढ़िया सी रिफ्रेशिंग वाइब मिलती है आपको, थोड़ा सा डेप्थ ऑफ फील ज़्यादा मिलता है वेनिला का, नटीनेस का, और पचुली के हैंड्स मस्की फ्रेग्रेंस ये आपको लगता है, वुडी फ्रेग्रेंस ये लगता है। बहुत बढ़िया तरीके से ये बनाया हुआ है और आप इस पे भी जा सकते हैं, हल्की सी स्वीटनेस आपको मिलती है, थोड़ा सा फ्रूटी वाइब भी आपको इसके अंदर मिलती है। तो बहुत खूबसूरत फ्रेग्रेंस है, हर किसी को पसंद आएगा, क्राउड प्लेजर है। और जैसा मैंने बताया एम्पोरियो अरमानी का ये क्लोन है स्ट्रॉन्गर विथ यू का, तो ज़रूर एक वैल्यू फॉर मनी आइटम ये बनता है आपके लिए। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की इसके प्रोजेक्शन के बारे में और लॉन्जिविटी के बारे में, 2 घंटे आराम से ये प्रोजेक्ट करता है, 3-4 फीट तक का इसका प्रोजेक्शन है। शुरुआत के 1 घंटे 3-4 फीट और उसके दूसरे घंटे ये 2-3 फीट का प्रोजेक्ट करता है, और आपके अराउंड बना होता है जो इसकी लॉन्जिविटी है वो आराम से आपको 7-8 घंटे मिल जाएगी। क्लोथ्स पे थोड़ा ज़्यादा टिक सकता है लेकिन 7-8 घंटे आराम से ये टिकता है। कब आप इसे लगा सकते हैं? इवनिंग टाइम में लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा, विंटर टाइम में लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा, थोड़े से कूल एटमॉस्फेयर में लगाएंगे, मॉनसून में भी आप इसे लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा, हर एज ग्रुप के लिए काफी बढ़िया है, ऑफिस वेयर भी आप इसे कर सकते हैं, काफी सेफ ये फ्रेग्रेंस है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं किंग क्रीड एवेंटस के क्लोन की। जो क्रीड एवेंटस है उसे किंग माना जाता है फ्रेग्रेंसेस में और काफी महंगा आता है, 20-25 हज़ार, 19 हज़ार रुपए के लगभग आता है। सेम उसी का क्लोन आपको मिल जाता है कई सारे फ्रेग्रेंस अरमाफ में भी, जो क्लब डे न्यू इंटेंस मैन है वो बहुत ज्यादा सेल होता है, हमारे पास में सबसे ज्यादा सेलिंग ही उसका होता है। वहीं आपको ये बजट में ऑप्शन देता है, 1150 रुपए के बजट में आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रीड एवेंटस को स्मेल करने का, क्योंकि उसी की तरह ये भी फ्रेग्रेंस बनाया हुआ है। ये है मैस्कुलिन लेदर जो कुछ इस तरीके से दिखता है, रिप्स कंपनी की साइड से भी ये आता है। अब ये जो डीएनए है धीरे धीरे कॉमन होता जा रहा है क्रीड एवेंटस का, लेकिन फिर भी इसकी बात करते हैं, अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है तो आपके लिए ये अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। स्प्रे देखते हैं, बहुत अच्छा स्प्रे करता है, बॉटल बहुत अच्छी है, गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी काफी अच्छा है, और ओवरऑल बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन मुझे इसका लगा। जैसे ही आप इसे स्प्रे करते हैं बिल्कुल भी हार्श नहीं लगता है, बहुत ज्यादा सिट्रसी नहीं लगता है, आपको इंस्टेंटली क्रीड एवेंटस की फील इसमें से आने लगती है। मैंने क्रीड एवेंटस ओरिजिनल भी ट्राई किया हुआ है, क्लब डे न्यू इंटेंस भी ट्राई किया हुआ है, लेवेंचर भी ट्राई किया हुआ है, काफी सारे क्लोन्स ट्राई किए हुए हैं, तो मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन इसमें दूंगा, बिल्कुल भी त्रुटि नहीं होगी। तो डेफिनेटली शुरुआत में आपको बहुत अच्छे से पाइनएप्पल के नोट्स मिलते हैं, बिर्च की खुशबू इसमें, ड्राइनेस और वो जो स्मोकी टोन है वो इसमें आने लगती है, एप्पल का नोट इसके अंदर आपको मिलने लगता है, ग्रीन एप्पल का, थोड़ा सा ब्लैक करंट भी आपको इसके अंदर मिलने लगता है, फ्रूटी वाइब, स्मोकी वाइब, बहुत अच्छी सी शुरुआत है इसकी। और आपको जब ये मिडिल में जाता है तो पचुली के हैंड्स बहुत अच्छे मिलते हैं, आपको मस्कीनेस बहुत अच्छा मिलता है, एम्बरग्रीस का भी नोट इसमें मिलता है, ओवरऑल क्रीड एवेंटस ही ये है, ये बात आप मान के चलिए। ये 2-3 घंटे क्रीड एवेंटस लगता है, उसके बाद कुछ और डायरेक्शन में ये जाने लगता है। ये जो फ्रेग्रेंस है अगर आपने अभी तक क्रीड एवेंटस ट्राई नहीं किया और अगर आपका बजट कम है 1100-1100 रुपए है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इस पे जा सकते हैं, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस वीक हो चुका है, आपको शुरुआत के 1 घंटे या 40 मिनट ही प्रोजेक्शन मिलेगा इसका, 2-3 फीट का इसका प्रोजेक्शन रहता है, उसके बाद क्लोज टू स्किन क्लोज आपके बहुत रहता है, और 3 घंटे या मुश्किल से 4 घंटे तक ये टिकता है, उसके बाद ये फेड अवे हो जाता है, बिल्कुल क्लोज टू स्किन हो जाता है। तो ये मुझे इसमें एक प्रॉब्लम लगी, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल जो फ्रेग्रेंसेस आ रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस इशू बहुत ज्यादा आ रही है, तो ये भी उसी कैटेगरी में शामिल हो चुका है मेरी नजर में, और ये वाला जो कैफे नोआर है ये भी थोड़ा थोड़ा उसी कैटेगरी में जाता है। लेकिन इसके अगर आप ज्यादा स्प्रे करेंगे तो हो सकता है ये ज्यादा टिके, लेकिन इसकी जगह आप क्लब डे न्यू इंटेंस मैन अरमाफ का ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा आइटम है। और अगर आपका बजट कम ही है और अगर आप ज्यादा देर तक खुशबू नहीं चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं चाहते हैं, ऑफिस वेयर के लिए अगर आप ढूंढ रहे हैं, कहीं आपको जाना है, किसी से मिलना है और इंस्टेंट फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छी खुशबू के साथ देना है, तो ये फ्रेग्रेंस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर अभी तक आप फ्रेग्रेंस परफ्यूम्स कम लगाते हैं, डिओडोरेंट ही लगाते हैं, तो भी ये फ्रेग्रेंस आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, तो इसे भी आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। ये है मैस्कुलिन लेदर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने कमेंट में आप जो भी देखना चाहें, जो भी पूछना चाहें वो मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद।